आपने सुना होगा कि नीम हकीम खतरे जान ऐसी ही कुछ स्थिति भागलपुर से सामने आई। एक दवा दुकानदार जिसका रजिस्ट्रेशन 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है और वो झोला छाप डॉक्टर दवा दुकान में ही अपनी क्लिनिक चला रहा है। अभी तक ना जाने कितने लोगों की जान गई होगी। आज फिर 16 वर्षीय युवक उस झोला छाप डॉक्टर का शिकार बना। जैसे एक्सपायरी दवा खाया वो दुकान पर ही गिर गया। तभी झोला छाप डॉक्टर ने 112 को कॉल किया और फिर पुलिस वहां पहुंचकर मरीज को इलाज के लिए अस्पताल भेजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वास्थ्य विभाग मेडिसिन पर और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, फिर भी कई मेडिकल में अभी भी एक्सपायरी दवा खुलेआम मिल रही है, जिसका जीता जागता नमूना आज बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत देखने को मिला, जहां एक 16 वर्षीय युवक को खुजली की बीमारी थी जिसके लिए वो मेडिकल में दवा लेने गया। जैसे ही खाया कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और देखते देखते उसकी मौत हो गई थी। वहीं परिजनों का कहना है कि एक्सपायरी दवा खाने से उसकी मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आता है और पुलिस प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है। युवक अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई करता था, वहीं सबको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वो नोचनी का दवा मांगा, उधर से आ रहा था, उसका मुँह कान लाल था, उसके बाद नोचनी का वो दवा मांगा, उसके बाद यहाँ पे बैठ गया, चक्कर आके यहाँ पे गिर गया चौकी पे। उसके बाद तुरंत हम मीडिया वाले को फ़ोन किए। कौन मीडिया वाले को फ़ोन किए थे? 112 को। 112 का गाड़ी आई, उसके बाद पूरा उस बच्चे का देख रेख किया। उसके बाद वो बच्चा के घर पे मीडिया वाले को हम ही लेके गए। मीडिया सर 112 गलत आरोप लगा रहा है। हम जैसे उसको देखे आ रहा था, मुँह कान पूरा लाल था, टहते हुए आ रहा था। आपके पास दुकान का लाइसेंस है? हाँ है। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार सिंह। अच्छा, किनके नाम पे दुकान है? मेरे नाम पे। आपके नाम पर है? मेरे बेटा के नाम पे। आपके बेटा के नाम पर? अच्छा, क्या नाम है बेटा का? प्रशांत कुमार सिंह। वो महिला जो बैठी थी कौन थी? वो मकान मालिक है। डॉक्टर साहब की पत्नी नहीं थी वो? डॉक्टर यहाँ जो बैठी थी। हाँ हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब का ही तो वाइफ थी। हाँ, डॉक्टर साहब का तो वाइफ थी। खुजली हुआ था, खुजली हुआ वो डॉक्टर के पास गया, कंप्यूटर उसको सुई दिया। कौन डॉक्टर के पास गया था? परमोर डॉक्टर के पास। कहाँ पर है ये? कुतुबगंज के पास है। अच्छा। उसको सुई दिया, उसके बाद उसको उल्टी होने लगा। उल्टी होने के बाद वो बेहोश हो गया, मुँह से फेन जाने लगा, आँखों पूरा लाल हो गया। लाल होने के बाद वहीं पे अंदर में क्लिनिक में ही पड़ा हुआ था, तो उसने फ़ोन कर दिया पुलिस को 112 पे। 112 के साथ वो डॉक्टर कंप्यूटर सहित गया घर पे। उसके बाद हम आए, बोला कि दारू पिया हुआ है। मुंह सूंघे हम अपना भाई का, दारू उड़ू कुछ नहीं पिया हुआ था। अच्छा, खुजली का दवाई वही चल रहा था डॉक्टर का? हाँ, वही दिया था सुई हुई। उसी के पहले भी दवाई? हाँ, पहले उसी का दवाई चल रहा था उसका। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उसको हाथ पर जोड़े हैं, उसी के साथ दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। ख़त्म तो मेरा भाई वहीं पे हो गया था। दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, 10-15 आधा घंटा में जाते आने में जो समय लगा, वहाँ जाते जाते जो है थोड़ा बहुत इलाज उलाज वगैरह हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया। डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर कुछ नहीं बोला। डॉक्टर को हम बोले ना सर कैसे क्या हुआ, बोला तुमको जो समझ में आता है वही करो, हमको लगता है सुई से एक दो वहाँ जो डॉक्टर सबके साथ नहीं रहता है। क्या नाम था लड़का का? लड़का का सन्नी। कितना उम्र था उसका? 16 साल। घर कहाँ हुआ? घर चंद्रलोक कॉलोनी। भागलपुर में एक भयानक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें चारपहिया वाहन और मोटरसाइकिल में फिल्मी स्टाइल में जोरदार भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल है। चारपहिया वाहन काफी तेज रफ्तार से एक ओर से आ रही थी, वहीं दूसरी ओर से मोटरसाइकिल भी काफी तेज रफ्तार में आ रहा था। अचानक दोनों की आमने सामने जोरदार टक्कर होती है, जिससे दुपहिया वाहन और मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ जाते हैं। वहीं मोटरसाइकिल चालक बुरी तरह घायल हो जाता है। गनीमत यह रही कि मोटरसाइकिल चालक ने हेलमेट पहन रखी थी, फिर भी वह बुरी तरह घायल हो गया और उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। मामला भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बायपास टोल प्लाजा से महज कुछ ही दूरी की है। घटना होते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर 112 की टीम और लोदीपुर थाना की पुलिस पहुंची। घायल मोटरसाइकिल चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि खबर लिखे जाने तक घायल युवक की पहचान नहीं हो पाई थी। घायल के सर और पेट पर गंभीर चोटें आई हैं और हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद कुछ देर तक सड़क जाम की स्थिति बन गई, फिर पुलिस ने लगे हुए जाम को खुलवाया। घटना के बाद से चारपहिया वाहन चालक फरार है। बाइक को इतना जोर से मारी कि बाइक को ना पिटा गया और फोर व्हीलर रोड से डायरेक्ट नीचे आ गया। नीचे आके पेड़ में टकरा गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो भी लड़का था इनमें उतर के वो लोग भाग गए।
मोदीपुर थाना आई, बाइक वाले थे, एक्सीडेंट हुआ, उनको ले गई हॉस्पिटल। तो क्या लगता है कि किसी की हताहत की भी? नहीं नहीं, हताहत की कोई बात नहीं है। तो मोटरसाइकिल वाला घायल है? हाँ, मोटरसाइकिल वाला घायल है, सर फटा हुआ है उसका। तो आप लोगों ने क्या किया उसका इलाज के लिए? भेजा हम लोग 112 को कॉल किए, तब तक लोधीपुर थाना आई, उठाकर उसको लोधीपुर थाने में रख दिए, वो इलाज के लिए हॉस्पिटल है। कौन सी जगह है यहाँ पे घटना जो? टोल प्लाजा से आगे है, बाईपास। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जीजा के भाई की शादी में हथियार लहराना युवक को भारी पड़ गया। हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से इसाकचक थाना को भी प्राप्त हुआ, जहां एक शादी कार्यक्रम के दौरान राइफल लहराया जा रहा था। इस वीडियो के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा निर्देश जारी किया गया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसाकचक थाना द्वारा वीडियो का सत्यापन किया गया और एक शादी कार्यक्रम के दौरान त्रिमूर्ति चौक के दक्षिण ग्रामीण बैंक के पास का पाया गया। इस कार्यक्रम में गगन कुमार नाम का व्यक्ति राइफल लहराते हुए पाया गया। चूंकि हथियार लहराना दंडनीय अपराध, इसको लेकर इसाकचक थाना में भागलपुर जिला अंतर्गत सजौर के विनोद प्रसाद सिंह के पुत्र गगन कुमार को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके पास से 2 BBL गन और 12 कारतूस जब्त कर लिए गए। वायरल वीडियो में दो युवक अलग अलग हथियार के साथ नाचते दिख रहे हैं। फिलहाल एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, वहीं दूसरे की तलाश की जा रही है। पकड़ा गया आरोपी इसाकचक मोहल्ले में शादी के दौरान DJ की धुन पर बंदूक लहराते हुए डांस कर रहा था। इस वायरल वीडियो के बाद गगन को सजौर में उसके घर से दिन के तकरीबन 1 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार गगन के जीजा के चाचा के नाम पर बंदूक का लाइसेंस है। गगन नाम का व्यक्ति है जो सजौर का रहने वाला है, उसके द्वारा हथियार लहराया गया था वैवाहिक कार्यक्रम में, जो कि अनुचित है। जो भी हॉर्स फायरिंग है या अनुचित तौर पे अगर हथियार को लहराते हैं तो ऐसे जो भी मामले पुलिस के संज्ञान में आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। इस मामले में भी कार्रवाई हुई है, विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और जो भी सुसंगत धारा है उसमें केस दर्ज करते हुए गगन को सजौर से गिरफ्तार किया गया है और उनका जो भी लाइसेंस है उसको भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए जो भी प्रस्ताव उसको भेजा जाएगा और आगे भी जो भी इस तरह के संज्ञान में आएंगे, और शादी का अभी माहौल चल रहा है तो जो भी संज्ञान में मामले आएंगे उसकी जांच होगी और उस पर कार्रवाई होगी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर के छात्र ने गले में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। घटना शनिवार की रात को हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्रों में काफी आक्रोश देखा गया, जिसके बाद छात्र जस्टिस फॉर रंजीत रंजन की नारे लगाते दिखे और सभी मेडिकल के छात्रों ने मिलकर OPD बंद कर धरने पर बैठ गए, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रत्येक दिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अपनी मांगों को लेकर मेडिकल के छात्रों ने अधीक्षक के पास अपनी बात रखी। अधीक्षक ने OPD खोल देने की बात कही और छात्रों पर आगे अनुशंसा करने की बात कही, लेकिन छात्र नहीं माने। फिर उन्हें अधीक्षक के द्वारा 3 दिन का समय लेने के बाद मेडिकल के छात्रों ने OPD खोला और फिर अस्पताल में व्यवस्था शुरू हो पाई। वहीं इस मामले को लेकर किसी भी तरह की बड़ी घटना न हो उसके लिए भागलपुर SDM DSP अजय कुमार चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मेडिकल कॉलेज छात्रों की मांगे हैं, जो फर्स्ट ईयर का छात्र रंजीत रंजन है वो कॉलेज के रवैये से काफी प्रताड़ित हुआ था। वो काफी गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था, वो किसी तरह पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज प्रबंधन छात्रावास के लिए पहले ही शुल्क ले लेती है, लेकिन 2.5 वर्ष बाद उसे हॉस्टल देती है, जिसके चलते छात्र काफी परेशान रहते हैं। कई मूलभूत सुविधाएं भी हॉस्टल में नहीं रहने के कारण फर्स्ट ईयर का छात्र काफी परेशान था, जिसके चलते उसकी पढ़ाई भी बाधित हो रही थी और परीक्षा में भी उसके पेपर खराब चले गए थे। वो काफी डिप्रेशन में था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया।
वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से इमरजेंसी और ओपीडी बंद कराया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग रहेंगे। करा दिया गया है और ओपीडी अभी से लगातार चालू रहेगी। साथ ही साथ जो भी घटना घटी है इसमें जो बच्चों की मांग थी उसके लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक टीम की का गठन कर दिया गया है। साथ ही साथ इन बच्चों का मांग था कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग रहें, तो प्रिंसिपल साहब के द्वारा डीएम सर को एक पत्र दिया गया है किन्हीं पदाधिकारी को नामित करने के लिए। तो कमेटी अपना जांच रिपोर्ट आने वाले 3 से 4 दिनों में जो भी बिंदु हैं जो बच्चों के द्वारा उठाए गए हैं उस पर देगी, और अन्य जो मांगे हैं बच्चे की जो हॉस्टल से संबंधित हो या फिर रीडिंग रूम से संबंधित हो वो सब सारी चीज़ विभाग के स्तर पर प्रिंसिपल साहब के द्वारा फॉलोअप किया जा रहा है। पर अभी से ओपीडी और इमरजेंसी बाधित नहीं रहेगा और वो लगातार फंक्शनल रहेगा। हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे कि ये सब कुछ फंक्शनल रहे। देखिए हाँ बिल्कुल, जो भी बच्चों का ऑपरेट किया इसके लिए हम जिला प्रशासन एवं कॉलेज प्रशासन का धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग की जो टोटल 4 डिमांडें थी जिसमें से कि हमारा 3 डिमांड का तो आश्वासन मिला है, और पेशेंट के परेशानी को देखते हुए हम लोग ओपीडी फिलहाल खोल रहे हैं और ओपीडी के ऊपर जो ताला लगा हुआ था वो हम लोग ओपन कर दिए हैं। और जो हमारी एक जो प्रमुख डिमांडें थी और जो सबसे बड़ी डिमांडें थी वो आलोका शर्मा सर का रेजिग्नेशन था। यदि 3 एक जांच कमेटी बैठी है उसका देख लेते हम लोग क्या रिपोर्ट दे रहे हैं वो लोग, यदि वो लोग का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। रिपोर्ट संतोषजनक नहीं आया तो फिर आगे क्या करें? हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे फिर उसके बाद। हम लोग अब जो मेरा अब मेनली जो है कॉलेज प्रशासन की ओर से जो आया कि हम लोग आलोका शर्मा सर का रेजिग्नेशन नहीं यानी रिजाइन नहीं कर सकते या फिर हम उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो अब मेनली जो मेरा मामला हो गया हम लोग के वर्सेस और यानी कि बिहार सरकार के का हो गया, ये अब कॉलेज प्रशासन का उतना कुछ इसमें रहा ही नहीं। दिन में कहीं चोरी होता है ऐसा कहकर पीड़ित महिला को थानेदार ने थाने से भगाया, जिसके बाद महिला गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। मामला लोदीपुर थाना का है जहां जब एक महिला घर में चोरी होने की शिकायत लेकर पहुंची तो थानेदार ने साफ तौर पर कह दिया कि दिन में कहीं चोरी होती है। इतना ही नहीं ऐसा कहते हुए उस महिला को जबरन वहां से भगा दिया गया। थक हार कर महिला अपनी गुहार लगाने एसएसपी आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची। वहीं मीडिया से बात करते हुए महिला ने बताया कि मेरे पति पंकज पंडित काम करने के लिए निकले थे, मेरे घर में 50,000 नगद और 50,000 के जेवर चोरों ने उड़ा लिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा परिवार मजदूरी करके अपना घर चलाता है। अब देखने वाली बात है कि एसएसपी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और महिला को क्या न्याय मिल पाता है। केस के मामले में कचहरी आए हुए थे हम, और मेरे घर में मेरे पति गए थे काम करने के लिए खेत पे, उसी बीच में वहाँ मतलब चोरी हुआ है मेरे घर पे। थाना गए थे तो थाना पे बोला कि दिन में कहीं चोरी होता है। कौन बुलाया ये हम तो शक्ल से पहचान लेंगे, नाम तो नहीं जानते हैं। हाँ थाने पे बैठे हुए थे थाने वो, और बोला गया कि जाओ तुम सुरेंद्र पंडित का सुरेंद्र सिंह का चमचा है, वो हम जानते हैं, जाओ जाओ हम सब तुम सब बहुत जानते हैं। सुरेंद्र सिंह मेरा केस का आईओ था पहले के केस के मेरा आईओ थे, तो वही बोले थे सुरेंद्र सिंह का चमचा हो तो हम जानते हैं जाओ, तो कोई भी नहीं पहुँचा वहाँ। कौन थाना गए थे? लोदीपुर। केस आवेदन दिए थे नहीं लिया था। कितना का सामान चोरी हुआ आपका? और सामान मेरा लगभग 50,000 रुपये कैश और 50,000 रुपये का गहना चोरी हुआ। अंग प्रदेश की लोक संस्कृति मंजूषा कला को लेकर मंजूषा महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन जिला प्रशासन व कला संस्कृति व युवा विभाग की ओर से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रारंभ हो गया है। मंजूषा महोत्सव का उद्घाटन भागलपुर की सांसद अजय मंडल, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SDM संजय कुमार, DDC कुमार अनुराग के अलावा कई पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। साथ ही मंजूषा के 3 रंगों का बना गुब्बारे का बंच आसमान में उड़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान लाइव डेमो के लिए 50 कलाकारों का चयन किया गया है जो महोत्सव में मंजूषा चित्रकला को उकेरने का काम कर रहे हैं। साथ ही महोत्सव में 40 स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें 19 स्टॉल विभिन्न विभाग की ओर से लगाए गए हैं, वहीं 21 स्टॉल बुनकर मंजूषा कला सिल्क के कपड़े के लगे हुए हैं। मंजूषा कला के कलाकार 3 रंगों पीला गुलाबी और हरे रंग को काफी बारीकी से कागजों कपड़ों और मिट्टी के बने बर्तन पर उकेरते नजर आ रहे हैं। वहीं मंजूषा महोत्सव में किलकारी संस्थान की ओर से क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा अंग प्रदेश की लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय मंडल, प्रमंडलीय आयुक्त
जिलाधिकारी डीडीसी एसडीएम कला में शहर के कई गणमान्य से छवि समाज सेवी चिकित्सक व सैकड़ों दर्शक मौजूद थे। देखिए बहुत सुंदर है और सबसे अच्छी चीज इसमें है कि जो यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, क्योंकि ये पेंटिंग जो है 7वीं शताब्दी का है और उस हिसाब से खास करके हम लोगों ने देखा, जो आपको भी जानकारी है कि 3 रंगों से बनाया हुआ एक अनुपम कलाकृति है और लोगों का यह लोकल आर्ट है और राज्य सरकार भी इसके लिए कृत संकल्पित है कि लोगों के आर्ट को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। हम लोगों ने देखा है, लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छा सजाया है और एक निश्चित रूप से यहाँ पर जो है जिस तरीके की पेंटिंग है, खास करके हम लोग जो है बिहार में मधुबनी पेंटिंग को जान रहे हैं, लेकिन मंजूषा पेंटिंग उस तरीके से हम लोग अभी भी लगता है कि मेहनत करने की ज़रूरत है और सबसे ज़रूरी है कि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको आगे प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमको लग रहा है कि बहुत जगह हम लोग अपने स्तर से भी प्रोत्साहित करें, इस तरीके के जो फंक्शन हैं, आयोजन हैं, और इनको और भी आपके माध्यम से प्रचार मिले, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी व्यवस्था की जाए ताकि कि ये लोग अपना प्रदर्श जो है जो भी इनके आर्टिफैक्ट्स हैं उनको प्रदर्शित करके और उसको खास करके उचित मार्केट प्लेटफॉर्म दे सकें, तो ही हम लोग इनके साथ न्याय कर सकेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको देख रहा हूँ, जो बारीकी से जो कलाकारी यहाँ की गई है मंजूषा का, वो नाम को बिल्कुल सफल रूप से चरितार्थ करता है और हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, आपके माध्यम से भी आपका भी प्रयास होना चाहिए, जो लोकल कलाकार हैं उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले ताकि और भी युवा कलाकार इसमें जुड़े और अपनी आजीविका के साथ साथ कला का भी इसमें निश्चित रूप से और बढ़ावा या प्रोत्साहित। भागलपुर के होली फैमिली स्कूल में कला और विज्ञान की 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में पहले दिन चंद्रयान की लैंडिंग का मॉडल आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहा। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में फादर थॉमस चिट्टुकलम TOR, विद्यालय की प्रेसिडेंट सिस्टर लिसी टेरेसा और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा ने किया। उद्घाटन के बाद यीशु के प्रार्थना गीत गाए गए, साथ ही छात्रों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वही प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण चंद्रयान की लैंडिंग का मॉडल बच्चों ने काफी मेहनत से बनाया था, जिसे देख अतिथि भाव विभोर हो गए। साथ ही कई विषयों को लेकर बच्चों ने मॉडल बनाया। इस कला व विज्ञान की प्रदर्शनी में सैकड़ों अभिभावक व छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन को देखा। वहीं अतिथियों ने कहा कि ऐसे कार्यों से बच्चों का मानसिक विकास तेज होता है, जो अपने देश दुनिया के लिए काफी लाभदायक है। वहीं कार्यक्रम के दौरान होली फैमिली स्कूल की प्राचार्य सिस्टर सविता जॉन ने अतिथियों का स्वागत किया और पहले दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों को शुभकामनाएं दी।